पीपल, अंकिता किचन टीवी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज इस सीरीज के 13th डे पे हम लोग जाने वाले हैं उत्तराखंड की ओर। जी हाँ, और वहाँ की फेमस चैसू दाल बनाने वाले हैं। जी, अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया तो प्लीज मुझे करेक्ट करिएगा। तो ये वहाँ की बहुत ही फेमस दाल है, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। दाल बनाने के लिए हम लोग ये आधा कप काले साबुत उड़द की दाल लेंगे। जी हाँ, इसके लिए हमें साबुत दाल की ज़रूरत पड़ती है, तो आप भी वही यूज़ करिएगा। उसको हम लोग एक बर्तन में निकाल लेंगे, फिर इसमें हम पानी डालेंगे और इसको बढ़िया से हाथों से ऐसे मसलते हुए धो लेंगे। जब आप इसको धो रहे होगे ना, आप देखोगे कि इस दाल का जो थोड़ा बहुत कलर होता है ना, वो भी निकलेगा, और इसमें अगर कुछ गंदगी होगी तो वो भी निकल जाएगी। तो 2 से 3 पानी हम इसको ऐसे ही अच्छे से मसल के धो लेंगे। ये देखिए, दाल को धो के हमने उसका पानी हटा दिया है। अब हम क्या करेंगे, एक पैन लेंगे। आप चाहो तो तावे पे भी इसको मतलब कर सकते हो। तो एक पैन में हम ये दाल को अच्छे से फैला देंगे ताकि इसका जो भी पानी है ना, वो निकल जाए। दाल को हमने एक बराबर से इस पे फैला दिया है और आप देख सकते हो इस पे का जो पानी है वो भी धीमे धीमे एवेपोरेट हो रहा है। 2 से 3 मिनट तक बस हमको इसको ऐसे ही कुक कर लेना है, जब तक ये एकदम जैसे वापस से सूखी दाल होती है ना, वैसी ना हो जाए, तब तक हम इसे ऐसे ही कुक कर लेंगे। आप देख सकते हो दाल में जितना भी पानी था वो सब एवेपोरेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और इसको ऐसे ही थोड़ी देर के लिए ठंडा हो जाने देंगे। बहुत लोग ना ये प्रोसेस नहीं करते हैं, जैसे कि मैंने भी दाल को धोया फिर उसको तावे पे सुखा के तब पीसा। बहुत लोग क्या करते हैं, दाल को डायरेक्टली पीस लेते हैं बिना धोए। मैंने तो धोया इसलिए ताकि उसमें कुछ भी गंदगी हो या फिर जैसे धूल वगैरह होती है, फिर खर वगैरह होता है, तो वो निकल जाए। तो अगर आप चाहो तो ये प्रोसेस जैसे मैंने बताया वैसे कर लो, नहीं तो आप भी चाहो तो डायरेक्टली बस उसको मार्केट से लेकर आओ और पीस के उसके बाद का जो आगे का प्रोसेस है वो फॉलो कर सकते हो। जैसे ही दाल ठंडी हो जाएगी इसको हम मिक्सर जार में डाल देंगे। अब हम इसको दरदरा पीस लेंगे। हमें इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना है, एकदम दरदरा, बस 1 से 2 बार आपको मिक्सी को चलाना होगा। ये देखिए, हमारी दाल पीस के रेडी हो गई है। और ये कितनी ज्यादा दरदरी है, आपको ऐसे ही रखना है, बिल्कुल भी पीस के एकदम इसका फाइन पाउडर मत बना दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, कुकर में सरसों का तेल लेंगे और उसको बढ़िया से गर्म हो जाने देंगे। जैसे ही सरसों का तेल एकदम बढ़िया से गर्म हो जाएगा, हम इसमें ये राई के दाने डाल देंगे, फिर जाएगा इसमें ये जीरा और ये हींग। इन सब को हम चला के अच्छे से मतलब कुक कर लेंगे, जब तक ये सारे मसाले अच्छे से कुक ना हो जाएं। आप देख सकते हो राई भी एकदम बढ़िया से पॉप होने लग गई है और ये मसाले भी अच्छे से भुन गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये बारीक कटे हुए लहसुन डाल देंगे, फिर जाएगा इसमें ये अदरक और ये कटे हुए प्याज। इन सब को हम चला के थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लेंगे, जब तक प्याज बढ़िया से एकदम मतलब गलने ना लग जाए और हल्के हल्के रेड ना हो जाए। 2 से 3 मिनट तक प्याज को लगातार चला के पकाने के बाद आप देख सकते हो ये अच्छे से पक गए हैं, हल्के हल्के रेड भी हो गए हैं। अब इस टाइम पे हम ये बारीक कटे हुए टमाटर इसमें डाल देंगे। ये मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर को काट के लिया हुआ है। इनको भी हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे, फिर हम इसमें मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे ये लाल मिर्ची पाउडर, फिर जाएगा इसमें ये स्वाद अनुसार नमक, धनिया पाउडर और ये हल्दी पाउडर। इन सब को हम अच्छे से टमाटर में मिक्स कर लेंगे और इनको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे, जब तक ये मसाले भी अच्छे से ना पक जाए और टमाटर हल्के हल्के गल ना जाए। आप देख सकते हो ये टमाटर कितनी बढ़िया तरीके से गल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने जो दाल को पीस के रखा था ना, उसको इसमें डाल देंगे और उसको बढ़िया से इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको 1 मिनट के लिए ऐसे ही बस चला के थोड़ा सा मतलब पका लेंगे। 1 मिनट तक इस दाल को चला के पकाने के बाद अब हम इसमें पानी डाल देंगे और जब पूरा पानी डाल लेंगे ना, तो उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारी चीज़ें आपस में एकदम बढ़िया से मिक्स हो जाएं। जैसे ही ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, हम ये 2 हरी मिर्च को ऐसे मैंने बीच से स्लिट कर दिया है, उसको भी इसमें डाल देंगे। अब हम कुकर का ढक्कन लगाएंगे और कुकर को बंद करके ऊपर से विसल लगा के इसको 3 से 4 सीटी आराम से लग जाने देंगे। 3-4 सीटी एकदम बढ़िया से लग गई है। अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और कुकर के स्टीम खुलने का वेट करेंगे। चलिए, दाल पक गई है, इसको हम खोल के देख लेते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया दाल बनके रेडी हुई है। इतनी ज़्यादा टेस्टी और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना इसमें से, मैं आप लोग को क्या ही बताऊँ। अब हम क्या करेंगे, ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया लेंगे, उसको भी इसमें डाल देंगे और उसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी दाल बनके रेडी हो गई है। चलिए, इसको हम सर्व कर लेते हैं। दाल को आप राइस या रोटी किसी के साथ भी सर्व करके खाओ, ये इतनी ज़्यादा टेस्टी लगेगी ना कि क्या ही बताऊँ। तो ये अमेजिंग रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा कि आप लोग को ये दाल की रेसिपी कैसी लगी।
आई होप मेरी ये उत्तराखंड की फेमस दाल की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर कोई उत्तराखंड से देख रहा हो ना तो प्लीज नीचे कमेंट्स करना मत भूलिएगा।